दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? हम में से मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, हम इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते। हमारी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, हम इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते। कुछ तो ये कहते हैं कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। और कुछ कहते हैं कि हमारा इंग्लिश एक्सेंट अच्छा नहीं है, हम इंग्लिश पीपल की तरह नहीं बोल पाते, इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। और कुछ तो कहते हैं हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, इंग्लिश ना बोलने की ये वजूहत है ही नहीं। अगर आप भी समझते हैं कि मेरे में भी ये इश्यूज हैं, मेरे में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ना बोलने की ये रीजंस है ही नहीं। तो फिर इंग्लिश ना बोलने की रीजंस क्या हैं? आए मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट डिफिकल्टी विच वी पीपल फेस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज हेजिटेशन एंड फीलिंग शाय। यस दोस्तों, सबसे पहली जो हमें मुश्किल आती है वो है हेजिटेशन और फीलिंग शाय। मीन टू से कि जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हम हिचकिचाते हैं, हम शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है, ये सबसे पहली मुश्किल है, ये सबसे पहली डिफ़िकल्टी है जो हमें इंग्लिश नहीं बोलने देती। दूसरी है पीपल विल लाफ एट मी। जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हम लोग हम पे हंसते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश बहुत अच्छी तो बोल नहीं रहे होते। अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी आती हो तो फिर लोग हम पे क्यों हंसे? तो जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं, क्योंकि हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। तो ये भी एक हर्डल है, ये भी एक डिफ़िकल्टी है, ये भी एक मुश्किल है जो हमें डिस्करेज करती है, जो हमें डीमोटिवेट करती है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। थर्ड वन इज फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। डेफिनेटली जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो आप बहुत सी मिस्टेक्स करेंगे, आप गलतियाँ करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंग्लिश के स्पीकर तो है नहीं। तो ये एक डर होता है कि अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मैं गलत इंग्लिश बोलूँगा। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। द फोर्थ वन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। चूँकि हमने इंग्लिश बोलने की इतनी प्रैक्टिस तो की नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ आप यही देखें, अगर आप उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं या कोई और लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप सोने के अलावा जब भी कोई इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप उसी लैंग्वेज में करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन खुद से करें कि आप इंग्लिश में कितने घंटे बोलते हैं? अरे घंटे क्या, आप ये पूछें कि आप इंग्लिश में 24 आवर्स में से, 24 घंटों में से आप कितने मिनट बोलते हैं, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? शायद आप ये कहें एक या दो मिनट, या वो भी नहीं। तो देखें, जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, आप उस चीज़ में कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो लैक ऑफ प्रैक्टिस जो है, ये भी एक डिफ़िकल्टी है, ये भी एक मुश्किल है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। द फिफ्थ वन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एटमॉस्फेयर। एक्चुअली हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं ही नहीं, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो इंग्लिश ना बोलने वाले वालों का माहौल ना होना, मीन टू से इंग्लिश बोलने वालों के माहौल का ना होना, ये भी एक डिफ़िकल्टी है, ये भी एक मुश्किल है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, ये वो तमाम रीजंस हैं, ये वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम इन मुश्किलात पर कैसे काबू पा सकते हैं और हम कैसे फर इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।